सबसे बड़ी समस्या इस वक्त शहर और गांव के अंदर ये है, जो बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से प्रताड़ित करने में लगे हैं। आपने फटकार भी लगाई है, सर कैसे चलेगा इस तरह से? कहा गया है, देखिए ये जो बैठक होती है दिशा की, वो इसीलिए होती है कि विभिन्न विभागों का काम स्मूथली चले और जनता की जो समस्या उनको हल करने के लिए हो, जो अधिकारी हैं वो जनता के मित्र हो करके उस काम की समीक्षा होती है। बहुत सारे विषय उठते हैं, लेकिन कोई संदेह नहीं कि बिजली की समस्या ज़्यादा तकलीफ दे रही है, खासतौर से निचले स्तर के ऊपर जो मनमानी कुछ अधिकारी करते हैं जिस कारण से समस्याएँ आती हैं। इसका भी लक्ष्य यहाँ पर सौभाग्य का पूरा नहीं हो पाया है। तो कई सारी बातें जो कही गई हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बैठक के बाद थोड़ा सा उन चीज़ों की तरफ अधिक ध्यान देंगे अधिकारी। शहर का मुल्तान नगर है और वहाँ पे स्वच्छ पानी नहीं पीने के लिए सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है, नगर निगम में आता है, तो क्या कर रहा है नगर निगम और यहाँ का प्रशासन? ये विषय मुल्तान नगर का तो बैठक में नहीं उठा, आपने इस समय बताया है, तो स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना नगर निगम की जिम्मेदारी है, तो मैं बात करूँगा। ये सफाई की जहाँ तक बात है, मुझे मेरठ शहर की समस्या है, आप इसमें सांसद का विधायक का कोई रोल नहीं है जी। ये एक अलग से व्यवस्था है कि शहर में मेयर होगा, नगर आयुक्त होगा जी। तो कहीं ना कहीं मेयर की जिम्मेदारी जवाबदेही है शहर की सफाई व्यवस्था। अब चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जनता हमसे जवाब मांगती है, लेकिन कंट्रोल नगर निगम पे हमारा नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज ही मुख्यमंत्री को पत्र जा रहा है, कहीं ना कहीं जो नगर आयुक्त है उनके भी कुछ समस्या मुझे लगती है जरूर है, क्योंकि उन्हें जिस तरह से कहा गया उन्हें लगता है उन्हें ऐसा नहीं कहा जाना था, लेकिन सफाई व्यवस्था हमारा कंसर्न है, चाहे मेयर हमारा ना हो। दूसरी बात, दूसरा सवाल आपका क्या था? शहरी आवास योजना जो है, दूसरी बात आपने ODF की बात की जी, है। 2011 के अनुसार ODF डिक्लेयर किया गया जी, 2011 का सेंसस था, लेकिन ODF अब दोबारा एक फेज और आ रहा है कि जो शौचालय बचे हुए हैं उन शौचालय बनाने के लिए दोबारा सर्वे किया जा रहा है, 8000 सर्वे हो भी चुका है, तो जो बचे हुए शौचालय, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं बनेंगे, उनके लिए भी धन आ रहा है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास नारा दिया था, 2019 आया, समस्या वही है, क्या वजह है? नहीं, समस्या वो नहीं है, आपने परिवर्तन है। हाँ, ये जरूर है कि एक साथ 5 साल में हम सब समस्याएं समाप्त होती रहती है, नहीं आती रहती, नहीं, नहीं, पहले से बेहतर प्रशासन है। आज उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते पहले से बेहतर प्रशासन। 2019 में कौन से मुद्दे लेकर आएगी बीजेपी? सुशासन सबसे बड़ा मुद्दा है, उसी के अंदर सारी बातें आ जाती है। आज उत्तर प्रदेश के हालात पहले से बेहतर है, केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है, इसी काम को अगर बढ़ाने के लिए जनता से समय मांगेंगे। मेरठ में क्राइम बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसा संभव ही नहीं है कि मेरठ में क्राइम बढ़ रहा हो। मैं मेरठ के पास का रहने वाला हूँ, मेरठ तक मेरी लोकसभा है, ये मत कहिए क्राइम बढ़ रहा है। अगर पहले आप देखेंगे शाम को निकलना बंद था लोगों का, अब बहुत फर्क है पहले से, बहुत ज़्यादा फर्क है पश्चिम उत्तर प्रदेश में।